हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 130 किलोमीटर दूर रामपुर बुशहर में हर वर्ष बसंत आगमन की खुशी में फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। मेले का मुख्य आकर्षण देव नृत्य और शोभा यात्रा होती है। मेले में देवलू और उनके साथ आए गए नरकत दल पारंपरिक वेशभूषा में देव वाद्य यंत्रों की धुनों में खूब नृत्य करते हैं। पूर्व में जब संसाधन नहीं थे उस दौरान लोग सर्दियों से विकट स्थितियों में आपस में इसी मेले में आकर मिलते थे। परंपरा अनुसार प्रथम दिन राज दरबार मुख्य द्वार पर नगर परिषद की ओर से सभी देवताओं का विधिवत स्वागत किया जाता है। उसके बाद देवता परंपरा के अनुसार राजगद्दी को आशीर्वाद देते हैं और राज परिवार की ओर से भी पूजा की जाती है। ये रस्म पूरा होते ही दरबार मैदान में दिन भर अपने अपने क्षेत्र के देवी देवताओं के आगे लोग देव वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। लोग इस दौरान देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं और अपनी समस्याओं को भी सामने रखते हैं। इस उत्सव के बाद ही क्षेत्र में लगने वाले मेलों की शुरुआत होती है। फाग मेले में रिश्तेदारों के हाल जानने के साथ खूब मनोरंजन होता था। लोग विकट सर्दियों से छुटकारा मिलने की खुशी मनाते थे। इस मेले के बाद लोग अपने अपने इलाकों में जाकर खेतीबाड़ी और पशुपालन व्यवसाय में जुड़ जाते थे। आज भी देवी देवताओं की उपस्थिति में होली के दूसरे दिन से परंपरा अनुसार फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। पौराणिक और सांस्कृतिक मेला है जो एक ऐतिहासिक मेले के नाम से जाना जाता है और ये होली से अगले दिन मनाया जाता है। इसमें इस बार हमने नगर परिषद की तरफ से 15 हमने निमंत्रण भेजे थे जो कि पूरे के पूरे 15 देवी देवता इस बार फाग मेले में शिरकत कर रहे हैं। उपासना ठाकुर ने बताया कि 4 दिवसीय फाग मेला शुरू हो गया है। पूर्व में ना सड़कें थी और ना ही संचार साधन। सर्दियों में लोग एक दूसरे से कट जाते थे। होली के दूसरे दिन लोग फाग मनाने दूर दूर से पहुंचने आते थे। उपासना ठाकुर जिला कुल्लू नित्थर की स्थायी निवासी हूं। जैसे कि आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज से 4 दिवसीय फाग मेला का शुभारंभ हो चुका है। इसको मनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ पे अत्यधिक बर्फबारी होती थी। गांव-गांव में संचार का कोई माध्यम नहीं था। दूर दराज के क्षेत्र तक कोई सड़कें नहीं थी, जिस कारणवश लोगों का अपने सगे संबंधियों मित्रों इत्यादि से लंबे समय अंतराल तक मिलना जुलना नहीं होता था। तो होली के अगले दिन से ही ये फाग मेला इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि बसंत का आगमन भी होता है और लोग यहाँ पे अपने रामपुर में अपने अपने इष्टों को लेकर आते हैं, अपनी अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं तथा एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। और यहाँ से लोग अपने घर वापस लौटकर बसंत की शुरुआत से ही अपना खेतीबाड़ी का काम पशुपालन। सोनिया ठाकुर ने बताया कि फॉग मेला शुरू हुआ है, दूर दूर से देवी देवता आए हैं, लोग मेले का खूब आनंद उठा रहे हैं। सोनिया ठाकुर, जैसे कि आप सबको पता है कि रामपुर में मेला शुरू हो चुका है और दूर दूर से बहुत से लोग आए हैं और जो खूब आनंद मेले का खूब आनंद ले रहे हैं और खूब नाच गा रहे हैं और देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं।